ये मेन रोड पे 2 किलोमीटर शमोजो आगे है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और इस वक्त मैं स्वात की एंट्री पॉइंट लंडाके के मुकाम पर मौजूद हूँ। ये सीधा रूट अगर आप देखें तो ये मिंगवरा शहर और मलम जब्बा कलाम मदियन बहरेन, और ये रास्ता अगर आप देखें तो ये भी कलाम मदियन बहरेन मटा कांजू और मुतादिद इलाके इस पर भी आते हैं। ज़्यादातर लोग अगर शहर में आप नहीं रुकना चाहते तो आप ये रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ले जाना है शमोज़ई। शमोज़ई जो एक इलाका है बहुत ही खूबसूरत है, तारीख़ी मकामात के हवाले से भी, खूबसूरती के हवाले से भी। तो यहाँ से तकरीबन वो 2 किलोमीटर के फासिले पर है और फिर आगे जो तारीख़ी मकामात है वो तकरीबन कोई 10 किलोमीटर के फासिले पर है। अगर आपने कलाम जाना है या बहरेन जाना है, जहाँ भी आपने जाना है, तो यहाँ से आप मेन रोड से मोटरवे से तकरीबन ये कोई 15 किलोमीटर के फासिले पर है और यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरे साथ रहे। यहाँ पर भी जमरूद कान है और खूबसूरत नज़ारे हैं, आपको दिखाना है मैंने। ये जो रिमोट एरियाज की जो रोड है वो पहले ये 12 फुट हुआ करती थी, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट ने इसमें तब्दीली करके 18 फुट कर दिया है। और ये ग्रीनरी, लश ग्रीन पहाड़, सुहाना मौसम और चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं, कुछ पौधे हैं। शमोजो की पहाड़ी है और ये जो रास्ता जा रहा है ये कबल आगे शमोजो स्वात, और रास्ता थोड़ा सा कच्चा है लेकिन इस काबिल है कि इस पर छोटे बड़े गाड़ी आराम से आ जा सकती है। दूसरा ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें
तो हर तरफ हरियाली है। ये रोड बिल्कुल नया बना हुआ है, काफ़ी मतलब यहाँ जो जितने भी एरिया है वहाँ पर मेन जो रोड है वो बिल्कुल तैयार है। इस तरफ भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, अगर आप ये एरिया देखें तो दरिया स्वात सामने दिखाई दे रहे हैं, और इस तरफ ये सरसब शादाब वादी है। तो मिलते हैं, मेरे साथ रहे। सूरज गुरूब होने का मंज़र, कुछ ही देर में ये सूरज गुरूब हो जाएगा। और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं इससे उस साइड पे लोअर दिर है, तो ये बिल्कुल जो पहाड़ है ये स्वात और दिर की बाउंड्री है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर है। ये शमोजो का इलाका है। शमोजो जैसे ही आप इस्लामाबाद से आते हैं मोटरवे पे, तो मोटरवे से जब चकदारा पहुंच जाते हैं और आप शमोजो ब्रिज आते हैं, तो शमोजो के साथ ये इलाका है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक तो करीब है, दूसरा ये है कि लश ग्रीन है, यहाँ पर हरियाली है। मतलब घने जंगलात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चीड़ के दरख्त यहाँ काफ़ी मौजूद है और छोटे छोटे पौधे भी है। ये रोड अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं, इस पर भी तामीराती काम जारी है और तकरीबन 80% रोड जो है ना वो मुकम्मल है। सिर्फ ये कबल के साथ, जावन के साथ, ये जो तहसील है कबल और बरीकोट तहसील के साथ ये लगता है। सामने अगर आप देखें तो ये शमोजो एमरल कान है, ये निजमरूद कान है, बहुत ही पुराना, और ये कुछ वक़्त में ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था कशीदगी के दौरान। ये रोड अगर आप कालाम या मिंगवरा या जिस तरफ भी आप जाना चाहते हैं, तो रंगेला के मुकाम पर आपने राइट मुड़ना है, और तो आप यहाँ जमरूद कान यहाँ पर मशहूर है, शमोजो जमरूद कान बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, तो आप इस रूट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप फिर कालाम और बहरेन मदीन मिंगवरा इन इलाकों में आप जा सकते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। आपका नाम और आप कहाँ से आए, और ये बताएं कि आपको ये इलाका कैसा लगा, आप खुद देख रहे हैं इसको। सैयद अब्दुल वहाब का खेल और कराची से मेरा ताल्लुक है, दावतों का सिलसिला है, तो इस वजह से हम लोग बाहर नहीं निकले, तो हमने बोला चलो अपना इलाका फिलहाल विजिट कर देते हैं। आप क्या कहेंगे इशफाक खान, आपको कैसा लगा, चूंकि आपका आबाई इलाका है यहाँ पर? ये हमारा नीचे जो गांव है इसका नाम है गड़िया, और सामने रंगेला है, रंगेले से पहले यही रोड जाता है, तो इलाका तो आपके सामने बहुत खूबसूरत है। हाँ। मैं तो खुद ग्वादर से आया हूँ, आप तो ग्वादर भी आए हो ना। बस ये कुछ दोस्त आए थे, आप आए थे, सेनाली आया है, ठीक है, तो हमने बोला कि चलो थोड़ा सा घूम फिर, चलो सेनाली से बात करते हैं क्योंकि दुबई से आया है। सेनाली आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा ये इलाका, चूंकि आप परदेश में है, आपका चूंकि ये आबाई इलाका है, शमोजो से आप ताल्लुक रखते हैं, और मैं आपसे ही मिलने आया था इशफाक से, तो आप बताइए कि क्या कहेंगे इस हवाले से। जमरूद खान भी पीछे है। जी जी बिल्कुल, इलाका तो बहुत बेहतरीन है आपके सामने। जमरूद खान तकरीबन ये 16-17 साल पहले यहाँ पे एक्सप्लोर हुआ था, तो पहले ज़माने से तो काफ़ी लोग आते थे बाहर से, मर्दान, सवाबी, पिशावर से, और टूरिज्म के लिहाज से भी इलाका काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जिस तरह कलाम, मदयन या कुमराट वगैरह एक्सप्लोर हो गए, तो इसी लेवल पर इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह आपकी इस व्लॉग या वीडियो की वसादत से। ये जो सामने गांव है इसका क्या नाम है? रंगेला नाम, रंगेला नाम जी, जी, बिल्कुल शमोजी का एंड है, शमोजो का एंड है, ठीक है। तो मतलब आप दावत दे रहे हैं सैयाहों की कि वो आए, मोस्ट वेलकम, और ये रास्ता भी है, मतलब इनके मतलब रास्ते में आता है, अगर वो स्वात के मतलब दिगर जो इलाके है सैयाहती इलाके वहाँ जाना चाहते है तो वो भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। Exactly, और यहाँ पर तारीखी मेरा ख्याल है कि कोई इलाका भी है, निमोग्राम के नाम से है जी, बिल्कुल वो हिस्टोरिकल जगह, तकरीबन 2000 या 1900 साल पुरानी जगह है। अच्छा जी बिल्कुल, असार कदीम, पहले लोग आते थे, चाइनीज आते थे, जैपनीज आते थे। अच्छा, यूरोप से जी, जब मैं छोटा था तो उस वक्त यूरोपियन काफी आते थे। अच्छा, वो कितना दूर है शमोजो से? वो शमोजी की बिल्कुल जरखेला जो मतलब मेन गाँव है वहाँ से तकरीबन 14-15 किलोमीटर मैक्सिमम। अच्छा जी, जी। तो वहाँ पर क्या है?
वहाँ पे आसार कदीमा है, पुरानी बुद्धिज्म, उसकी बुद्धिस्ट स्टोपास है, तकरीबन 4-5 स्टोपास है, उस इलाके का नाम निमोग्राम है। इंशाल्लाह वहाँ पे भी विजिट करेंगे, सामने नजर भी आ रहा है। तो ये भी हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, फुटेज पे आप देख सकते हैं कि ये कितने मतलब तारीखी मकाम है। कोई 5-6 के करीब स्टोपास है, और इसके अलावा यहाँ जो आसार कदीमा है ये अपने तारीख, अपने जो खूबसूरती है उस वक़्त की, वो बिल्कुल मौजूद है अपने असल शक्ल में। इसको स्टोर किया गया है, इसको प्रिजर्व किया है ताकि तारीख जो है ना वो महफूज रहे। तो सामने दिर और इस तरफ शमोजो स्वात, ये इलाका है। तो आप कुछ बता रहे थे जी मैं ये बता रहा था कि ये जो पीछे आप दिखाएं, अगर वो इस यहाँ टॉप पे अगर आप चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ से इस तरफ ये शमोजई का इलाका, और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको मेंगोरा, गालेगे, मानियार, मालम जब्बा, जबकि कालाम के पहाड़ी, ये सब आपको नजर आएंगे। अच्छा, ये जो टॉप है, जी बिल्कुल टॉप, और यहाँ वहाँ तक भी रोड गया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। ये रोड कहाँ जाता है फिर? ये रोड मेंगोरा जाता है। कबल मेंगोरा जाता है। ये जो सामने मैं बता रहा था रोड है, ये दिर जाता है, वो जो साबुल फाम ने बताया ना, जी उसके पीछे वहाँ एक रोड नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है। ये दिर जाता है, उस जो एग्जैक्ट जगह है ना पहाड़ी के ऊपर, इसको कहते हैं बाबर गाह है। अच्छा, तो ये मशहूर है कि बाबर बादशाह यहाँ से आया था इस इलाके में। अच्छा, जो सामने रोड आ रहा है उसके बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर, बिल्कुल ये बाबर गाह के नाम से मशहूर है। अच्छा, बुजुर्ग कह रहे हैं की यहाँ से बाबर बादशाह आया था। उस साइड पे दिर है। थोड़ा सा ये आबादी अगर आप देखें तो क्या तामीराती तर्ज तामीर है। ये थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा क्या नज़ारा है। ये रंगीला गांव है, और रंगीला शमोजू गांव है, और यहाँ पर आप तामीरात देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है। मेरा नाम माजिद खान है और मैं दुबई से यहाँ आया हूँ इधर विजिट करने के लिए। ठीक है, ये जगह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ग्रीनरी भी बहुत अच्छा है, उधर सनराइज भी। हाँ बिल्कुल सन जो है ना वो चला गया, गुरूब हो गया है। अच्छा बेटा, आपको दुबई अच्छा लगता है या ये स्वात अच्छा लगता है? टेक्नोलॉजी में दुबई अच्छा है, लेकिन ग्रीनरी में पाकिस्तान बहुत जबरदस्त है। यूरोप से भी ये जगह बहुत मस्त है। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, अगली दफा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। चांद, सूरज गुरूब हो रहा है, चांद तुलू हो रहा है। चारों तरफ अड़ू के बागात, क्या नजारा है। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा दूँ, ये सीढ़ियाँ इस टूपे बिल्कुल सही सलामत है, बेहतरीन हालत में है, लेकिन इसकी देखभाल के लिए, इसको रिस्टोर करने के लिए मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है। महकमा आसार कदीमा इस हवाले से इकदामात कर रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, मतलब इसकी चौकीदार भी है, लेकिन मज़ीद इकदामात की ज़रूरत है ताकि जो हमारे यहाँ स्वात में तकरीबन 2200 के करीब तारीख़ी मकामात है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उसको रिस्टोर करने के लिए और इसको तहफ़ देने के लिए अमली इकदाम की ज़रूरत है।